खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है, जिस तरह लोगों के जीवन में बदलाव आया है, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की जनता के मन में बस गए। लेकिन प्रदेश को जिस तरह से लगातार विकास की सौगातें मिल रही है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी का स्नेह लगातार मध्य प्रदेश को मिल रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री जी के मन में भी एमपी है। इसके चलते प्रधानमंत्री एक बार फिर ग्वालियर, चंबल अंचल और मध्य प्रदेश के लिए सौगातें लेकर 2 अक्टूबर को ग्वालियर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने प्रदेश दौरे पर आ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी स्वागत करते हुए कहा कि झूठ की कोई नई गारंटी देने से पहले वो प्रदेश की जनता को यह बताए कि पुराने वादों का क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकारें मध्य प्रदेश को लगातार विकास की ओर ले जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सूखे बुंदेलखंड को हरा भरा और समृद्ध बनाने के लिए 44,605 करोड़ की केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बीना रिफाइनरी में 50,00,000 करोड़ की लागत वाले नए पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकारें मिलकर लगातार विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों का जीवन बदलने का अभियान चला रही है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने आशा जताई है कि भाजपा की सरकार ने बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है और अब डबल इंजन वाली सरकार प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएगी। एक नहीं कई प्रकार की सौगातें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होंगी या प्रदेश के विकास, इस नाते से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भूमिका मध्य प्रदेश के अंदर रही है, आपने देखा कि बीना के अंदर 50,000 करोड़ रुपए की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नए रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश के अंदर हमारे नौजवानों को मिलेंगे। तो उस दिन भी उन्होंने कई प्रकार के डिक्लेरेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे। ग्वालियर की धरती पर भी वो कई सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। तो आगामी आने वाले समय में बुंदेलखंड की धरती पर भी कैन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में मैंने पहले भी आप सबको जानकारी में है कि 44,605 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के अंदर प्रावधान करके मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को एक हरा भरा बुंदेलखंड बनाने के लिए और एक समृद्धशाली बुंदेलखंड बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौगात दी है। तो उसके लिए भी जल्दी ही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी उसका फाउंडेशन स्टोन करेंगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी लगातार इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता के प्रधानमंत्री के मन में मध्य प्रदेश लगातार रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी सौगातों के साथ और उनका स्नेह और आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को लगातार मिल रहा है और मध्य प्रदेश विकास की गति एक नहीं कई पैरामीटर्स में लगातार हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं में भी जो दिया है वो एक ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत से लेकर के केंद्र की हमारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान केंद्र राज्य की सरकारों ने किया है। आज मीडिया के मित्रों को मैं जरूर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि 1,36,00,000 लोग मध्य प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर आए, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज हम मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर आगामी समय में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस संकल्प के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है। अभी हमने सुना है कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल जी मध्य प्रदेश के दौरे पर हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात जरूर, इस मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता राहुल गांधी जी आपसे पूछना चाहती है कि आपने 2018 के चुनाव से पूर्व जब आप आए थे और आपने मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो वादे किए थे और वादे करते समय आपने कहा था
कि किसानों के कर्ज माफी से लेकर युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने तक हमारी बहनों को 100 रुपए गैस सिलेंडर पर माफ करने से लेकर जो जो आपने वादे उस समय किए थे और आपने कहा था कि अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे तो 10 दिन के अंदर इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल दूंगा, उन वादों के कारण से इस मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश की मेरी बहनें और मध्य प्रदेश की वो बेटियां, वो भांजियां, जिनको आपकी सरकार के श्रीमान कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने उस समय जो वादे किए थे कि हमारी बेटियों के लिए हम कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे, ये सारे वादों को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि जो आपने उस समय झूठ के वादे किए थे उन वादों में से एक वादा भी पूरा मध्य प्रदेश के अंदर आपकी जो सरकार बनी थी, जो मिस्टर बंटाधार के इशारे पर चली थी, मुख्यमंत्री कोई था, पर्दे के पीछे से चलाता कोई था, ये कांग्रेस के नेताओं का, कैबिनेट के मंत्रियों का वर्षन था और आपने जो वादा किया था राहुल गांधी जी, उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। आप झूठ साबित मध्य प्रदेश के अंदर आपके जो उस समय के आपने जो कहा था उस पर आप झूठ साबित हुए। तो आज मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, फी के घोषणा के कारण ब्याज को लेकर के डिफाल्टर बने वो डिफाल्टर किसान, जिसका अपमान आपकी सरकार ने किया, उन किसानों को, गरीबों को डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाने के लिए जो आपके सरकार के कारण से जो किसान डिफाल्टर बने, आपने धोखा दिया, उन किसानों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन किसानों को 2200 करोड़ रुपए ब्याज से जो डिफाल्टर बने थे उन्हें नॉन डिफाल्टर बनाकर सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपने युवाओं को, बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस बेरोजगारी भत्ते को लेकर के मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी कहां गए आपके वो वादे जो आपने किसान बेरोजगारों को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन उसमें से एक भी नौजवान को मध्य प्रदेश के अंदर आपकी सरकार ने, जो श्रीमान कमलनाथ के नेतृत्व में बनी थी, जो करप्शन नाथ की श्रेणी में आकर के उनके ऊपर टैग लगा, आपसे मध्य प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है। आपने कहा था कि किसानों ने, बेघरों को घर बनाने के लिए हम 2,50,000 रुपए देने का वादा आपने किया था, यह मध्य प्रदेश का किसान और गरीब आपसे पूछना चाहता है कि क्या हुआ। और इसी की श्रेणी में मैं जोड़ना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपसे मध्य प्रदेश के वो 2,00,000 गरीब जिन्हें आपकी सरकार के समय में जो 1.5 साल की आपकी सरकार थी, 15 महीने की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2,00,000 घर प्रधानमंत्री आवास के अंदर मध्य प्रदेश को दिए थे, आपकी सरकार ने, श्रीमान कमलनाथ जी ने ये कहकर के उन घर को वापस कर दिया था कि मैचिंग ग्रांट मिलाने के लिए पैसा नहीं है। ये मेरे मीडिया के मित्रों के सामने मैंने पहले भी कहा है, लेकिन फिर चूंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के उन 2,00,000 गरीबों के हक और अधिकार को आपने छीना, तो राहुल गांधी जी वो 2,00,000 लोग जिनके सर पर छत और सपने का घर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, पैसा भेज दिया था, आपने उन पैसे को वापस कर दिया और उन 2,00,000 गरीबों के आशियाने को छीनने का काम किया था राहुल गांधी जी। मध्य प्रदेश के 2,00,000 गरीब जिनका हक छीना गया वो आपसे पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर, नहीं पूरे देश के अंदर, अटल जी ने गांव गांव को सड़कों से जोड़ा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम, केवल नारा नहीं दिया, हर घर को जल, हर घर को नल।
इस नारे को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम देश के अंदर किया, अब जब आपकी सरकार थी 15 महीने की, 248 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के अंदर आपने कोई काम नहीं किया, वो लैप्स होकर के केंद्र को वापस चले गए। यानी जिन गरीबों के घरों को पानी पाइपलाइन से नल से पहुंचता, आपने उन गरीबों के उस अधिकार को भी छीनने का काम आपकी सरकार ने किया था। वो गरीब जो 248 करोड़ में जिनके घरों में पानी पहुंचता, ये मध्य प्रदेश के नागरिक आपसे पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने श्रीमान कमलनाथ के नेतृत्व में क्यों किया था। और मुझे बताने में गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, आज मैं गर्व से कहता हूं जंजीवल मिशन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को 64 लाख परिवारों को जल जीवन मिशन में नल से पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपकी सरकार जाने के बाद की है। और आगामी समय में 2024 तक हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो ये मध्य प्रदेश की जनता, राहुल गांधी जी आप झूठ साबित हुए, आपके चेहरे पर झूठ की कालिक पोतने का काम आपकी मध्य प्रदेश की सरकार जो बनी थी मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के सारे पर जो चलती थी, वो आज आपसे मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। मैं एक बड़ा प्रश्न आज खड़ा करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी जवाब दीजिए, आप जिन वादों को झूठ के वादे करके सरकार आपकी गलती से बनी थी, आपने 15 महीने के अंदर झांक करके नहीं देखा कि आपकी सरकार क्या कर रही है? श्रीमान कमर करप्शन नाथ के नेतृत्व में चली सरकार वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना था और उमंग सिंगार आपके कैबिनेट के मंत्री थे, आपके कैबिनेट के मंत्री ने कहा था कि पर्दे के पीछे से मिस्टर बंटा डा सरकार को चलाते हैं और इस सरकार को, इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूमाफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया, सबसे बड़ा शराब माफिया दिग्विजय सिंह सरकार को चलाते हैं और ये सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, ऑन रिकॉर्ड आपके कैबिनेट के मंत्री ने कहा था। ये मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, क्या सरकार इसी के लिए बनी थी? आज के कांग्रेस के आपके नेता प्रतिपक्ष जो उस समय कैबिनेट के मंत्री थे गोविंद सिंह, उन्होंने कहा था, मीडिया के मित्र इस बात को जानते हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार में इतना भ्रष्टाचार में डूब गई है कि रेट TI तय करते हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का आरोप नहीं है, ये श्रीमान गोविंद सिंह जो आज के नेता प्रतिपक्ष हैं उस समय के कैबिनेट के मंत्री थे, आपकी सरकार चल रही थी, आप झूठे वादे करके चले गए थे राहुल गांधी जी, वो पैसा जो भ्रष्टाचार में ऊपर जाता था, जो वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बनने की बात मध्य प्रदेश के अंदर लोग कहते थे, 281 करोड़ रुपए आपके मुख्यमंत्री के पीए सरकार से महिलाओं के बारे में जो सोच सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि श्रीमान कमलनाथ या श्रीमान दिग्विजय सिंह इनकी भाषाएं क्या है, महिलाओं को किस रूप में ये देखते हैं, महिलाओं को किस रूप में बोलते हैं, ये सब आपसे पूछना चाहती हैं हमारी बहन और बेटियां कि इसके बारे में राहुल गांधी जी आपका क्या जवाब है? आप जिस दल के नेता हैं और उस दल के नेता होने के नाते से भारत के अंदर जो आपका NDE गठबंधन बना, जिसको लेकर के आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको सनातन धर्म के ऊपर जिस प्रकार का आक्रमण आपके सहयोगी गठबंधन के नेताओं ने किया, सनातन धर्म के बारे में जिस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणियां की, लेकिन राहुल जी मध्य प्रदेश की सनातनी 9.5 करोड़ जनता, ये सनातनी जनता आपसे पूछना चाहती है, इसके बारे में कोई जवाब आपने क्यों नहीं दिया राहुल गांधी जी? ये सनातन की धरती है, 9.5 करोड़ सनातनी जनता आपसे पूछना चाहती है कि मध्य प्रदेश की धरती पर आने से पहले जरा इसका जवाब राहुल गांधी जी दीजिए कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र केवल
डबल स्टैंडर्ड करके वोट बैंक की राजनीति में तुष्टीकरण के भाव के साथ जो कांग्रेस का मूल चरित्र है, जिसको मैंने एक बार नहीं कई बार इसका उल्लेख किया है कि कांग्रेस के खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी है, जो इस भारत की संस्कृति पर, भारत के मान बिंदुओं पर, भारत के स्वाभिमान पर आक्रमण करने का काम जिन्होंने किया, आज आप उसी भाव में कांग्रेस का नेतृत्व, इसका जवाब इस देश की और मध्य प्रदेश की जनता पूछती है। दुनिया के लोग जिस भारत को मान और सम्मान के साथ देखते हैं, दुनिया के लोग, दुनिया के देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, ऐसे प्रधानमंत्री ने भारत का मान और सम्मान दुनिया के नेतृत्व पर पहली बार, दुनिया के नेतृत्व को भारत के नेतृत्व पर विश्वास जागृत हुआ है। एक नेतृत्व करने का भाव देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। लेकिन आप जब भी विदेश की भूमि पर जाते हैं तब जरूर भारत को अपमानित करने का काम करते हैं, आप आक्रमण करते हैं। और मध्य प्रदेश के कमलनाथ कहते हैं कि ए, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये सारे प्रश्नों को लेकर के मध्य प्रदेश की जनता, राहुल जी आपसे इन सारे प्रश्नों के बारे में पूछना चाहती है कि आप इस दिशा में इनका क्या जवाब देना चाहते हैं। इसलिए मैं आज आपकी जो झूठ की गारंटियां हैं, ये झूठ की गारंटी, मेरा अनुरोध है राहुल जी, कोई भी झूठ की गारंटी क्या बोलने से पहले जो आपने वादे किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, पुनः झूठ की गारंटियों के लाने से पहले जनता आपसे पूछना चाहती है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ सनातनी जनता आपसे प्रश्न करती है। यही बात मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।